वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आउट एग्रीगेट के बारे में। जो डॉलर आउट होता है इसका क्या पर्पज़ होता है, इसको यूज़ करने का। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने किसी डेटाबेस के अंदर जाते हैं, यूज डेमोज। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं डीबी डॉट कुछ भी, मतलब किसी भी कलेक्शन से हम कुछ भी रिजल्ट निकालते हैं। सपोज़ करो हमारे पास एक कलेक्शन है यूजर्स नाम का, यहाँ पर हमें रिजल्ट निकालना है। कुछ भी एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। पहले तो हम कंडीशन लगा देते हैं इसमें कि केवल हमारे एक्टिव रिकॉर्ड आने चाहिए जिनका स्टेटस एक्टिव हो। ये आ गया। अब इसमें से मेरे को इसमें हम लगा देते हैं दूसरा प्रोजेक्ट कि कौन कौन से फील्ड आपको चाहिए। मेरे को चाहिए इसमें से ईमेल चाहिए और नेम चाहिए बस, और ये आईडी नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं आईडी हटा देता हूँ यहाँ से। डॉलर आईडी इसको जीरो कर दिया मैंने, ये एंटर करा, ये फील्ड आ गए। अब जो मेरे पास आउटपुट आया है इसको मैं एज ए कलेक्शन स्टोर करना चाहता हूँ, अलग एक कलेक्शन बना के। ठीक है, तो उसके लिए हम आउट यूज़ करते हैं। तो इसमें जो एक और स्टेज होगी हमारी, उसमें हम लिखेंगे अपना डॉलर आउट और यहाँ पर अपने कलेक्शन का नाम, जैसे कि ये हो गया हमारा कलेक्शन, कुछ भी लगा दो, इन्फो नाम से बना देते हैं हम इन्फो। तो इन्फो नाम से जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप इसके अंदर जाओगे, तो ये देखो इन्फो नाम से एक और कलेक्शन आपका बन गया। अब इस कलेक्शन का डेटा फिर गेट कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पर लिखोगे ना सो कलेक्शन, तो देखो तीन कलेक्शन बन गया आपका, इन्फो नाम से ही बन गया। अगर मैं एक और एंटर करता हूँ इसके अंदर, मेरे को ईमेल, यहाँ पर मेरे को एज भी चाहिए और इस कलेक्शन का नाम रख देता हूँ इन्फो एज। ये जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब मैं अपने कलेक्शन चेक करता हूँ, तो देखो इन्फो एज नाम का मेरा एक और कलेक्शन बन गया है। ये देखो जिसके अंदर एज आ रही है, और एक बनाया था पहले इन्फो जिसके अंदर हमने नेम और ईमेल बनाया था। ठीक है, तो ये इसने बना दिया। अच्छा, ये आईडी इसकी हमेशा जब भी आप कलेक्शन बनाते हो तो एक ऑटो इंक्रीमेंट आईडी बनती है, तो ये वो वाली आईडी है। ठीक है, इस कलेक्शन को यूज़ करके आप अपना कुछ भी रिकॉर्ड निकाल सकते हो इसके अगेंस्ट में अगर कुछ चाहिए। तो आउटपुट आपका बेसिकली यही काम करता है। अगर मैं अब यहाँ पे डीबी डॉट इन्फो डॉट फाइंड, मेरे को कुछ भी सब सारी चीज़ फाइंड करनी है, ये निकाला मैंने, ये मेरा देखो आउटपुट आ गया सेम इन्फो इज। ये देखो ये मेरा ये वाला आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है एक बार मैं फिर से इसको दिखा देता हूँ। ये यूज़ करा एग्रीगेट, पहले आप अपनी कुछ भी मैथ कोई कंडीशन लगानी है, कौन से फील्ड आपको चाहिए, जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट नाम को आपको एक कलेक्शन बनाना है। तो आप यूज़ कर लो आउट और इन्फो, मतलब आपके फील्ड का नेम, कलेक्शन का नेम, तो उस नाम का कलेक्शन आपका क्रिएट हो जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में यही था, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली सबको समझ आई होगी वीडियो। थैंक यू।